हे वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC CHSL के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जहां तक कि आप लोगों को पता है कि 18 दिसंबर जो है इसका फॉर्म का जो है लास्ट डेट है, और उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर इस फॉर्म को फिल कर लिए होंगे तो कर ही लिए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो 18 दिसंबर से जो है पहले कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और जो नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं SSC CHSL के जो है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या क्या है। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे Tier-1 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। Tier-1 के एग्ज़ाम में जो है आपका क्वेश्चंस पैटर्न जो रहता है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और ऑल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 60 मिनट का टाइम लिमिट यहाँ पे दिया गया है और 100 क्वेश्चंस रहता है जो कि आपका 200 मार्क्स कैरी करता है। निगेटिव मार्क होने पे जो है आपका 0.5 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा, और क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इसके बाद Tier-2 एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। Tier-1 क्वालिफाई करने के बाद जो है ये एग्ज़ाम होता है, इसमें जो है आपको एसे एंड लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है। इंग्लिश हिंदी और अदर लैंग्वेज जो भी है आपका लैंग्वेज वो आप उस लैंग्वेज में इस टेस्ट को दे सकते हो। टाइम लिमिट है आपका यहाँ पे 60 मिनट, आपका जो है इसमें मार्क्स कैरी करता है 100 मार्क्स, ठीक है। और ऑफलाइन मोड होता है, पेन पेपर मोड में आप जो है एग्ज़ाम दोगे। एसे वर्ड का जो लिमिट वर्ड है आपका 200 से 250 वर्ड का आप एसे लिख सकते हो, और लेटर और एप्लीकेशन में जो है आपका 150 से 200 वर्ड का आप लेटर और एप्लीकेशन लिख सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 33% है, ठीक है। और Tier-1 एंड Tier-2 ये दोनों का जो मार्क्स आपका जो है ये मेरिट लिस्ट बनने में जो आपको मदद करेगा। तो Tier-1 और Tier-2 जो है मैं आपको परफॉर्मेंस जो है अच्छा देना पड़ेगा, तभी जो है आप मेरिट लिस्ट में नाम ले आ पाओगे। और Tier-3 जो है वो बस आपका जो है नेचर, जो क्वालिफाइंग नेचर है बस उसी तरह से होता है, बस Tier-3 जो है आपको पास करना पड़ता है, उसका कोई भी मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। Tier-3 में जो है आपका स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। ये किस किस बेस्ड पे होता है, जो भी आप फॉर्म फिल किए होंगे वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया गया होगा पोस्ट प्रेफरेंस में कि आप कौन से पोस्ट को पहले रखोगे, उसके अकॉर्डिंग और आपका जो कट ऑफ पार करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिला के जो है आपको ये स्किल टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो मिनिमम मीडियम हम मैं आपको बता देता हूँ कि LDC वाले लोगों के लिए जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहोगे तो 35 वर्ड पर मिनट का जो आपको स्पीड होना पड़ेगा, और हिंदी के लिए जो है आपको 30 वर्ड पर मिनट होना पड़ेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका स्किल टेस्ट होता है वो 15 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है कि वो अपना जो स्किल टेस्ट है वो आपको साबित करने के लिए जो है, जिसमें आपको 2000 से 2200 स्ट्रोक वाली एक सीट दी जाएगी, और कैंडिडेट को जो है कंप्यूटर पर ही 8000 की डिप्रेशन जो है आपको प्रति घंटे की गति से दर्ज कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगर आप ये 8000 जो है की डिप्रेशन अगर आप मार देते हो 15 मिनट में, तो ये जो है आपका आप क्वालिफाई कर जाओगे। और ये जो आपका जो एग्ज़ाम है Tier-3, ये बस एक क्वालिफाइंग प्रकृति है, जो कि इस परीक्षा के जो भी आपका रिजल्ट आएगा इसमें जो है आपका मेरिट लिस्ट में मार्क्स कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो दोस्तों जहां तक कि आप लोगों को पता चल गया होगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और SSC CHSL से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में प्रश्न है, क्वेश्चंस है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ऐसे ही वीडियो मिलती रहे आगे भी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।